नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोशनी शर्मा और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। सीहोर जिले के आष्टा जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डीएन पटेल का शुक्रवार को एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। उक्त वायरल वीडियो में जनपद पंचायत सीईओ डीएन पटेल पर रिश्वत लेने के आरोप लगाए जा रहे हैं। वायरल वीडियो के सार्वजनिक होते ही जनपद पंचायत सीईओ डीएन पटेल भी सामने आए और सोशल मीडिया व्हाट्सएप ग्रुपों में रिश्वत के आरोपों से सीधे नकारते हुए बदनाम करने की साजिश की बात कही। गौरतलब है आष्टा जनपद पंचायत सीईओ डीएन पटेल का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो से हड़कंप मच गया। वीडियो में डीएन पटेल के ऑफिस में एक शख्स उनकी टेबल की दराज में कुछ रुपए रखता है तो जनपद सीईओ पूछते हैं कितने हैं, तो शख्स 7,500 रुपए बताते हुए दराज में रुपए रख देता है। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उक्त वीडियो में सीईओ पर रिश्वत के आरोप लग रहे हैं। वीडियो के सार्वजनिक होते ही जनपद पंचायत सीईओ ने सुबह 10 बजे अपने जनपद पंचायत स्थित कार्यालय में प्रेस वार्ता आयोजित कर पूरे मामले में साजिश कर बदनाम करने की बात कही। जनपद पंचायत के द्वारा हमारे जनपद पंचायत में श्री माखनलाल अहिरवार उपयंत्री का निधन हुआ कैंसर से, और उनके पत्नी को भी कैंसर है। उनके परिवार को सहयोग करने के लिए हम लोगों ने अपने सब इंजीनियर साथी सचिव रोजगार सहायक एडीओ पीसीओ सरपंच साहबान से भी ये आग्रह किया था कि अपने यथाशक्ति जो उनकी श्रद्धा हो उस हिसाब से सहयोग करें। यही कलेक्शन हम लोगों के द्वारा किया जा रहा था। ये हमारे पास लिस्ट भी है, इसमें 200, 500, 1,000, 2,500, मैंने स्वयं भी 2,500 दिया है, से लेकर 7,500 रुपये तक लोगों ने सहयोग राशि दी है। यही कलेक्शन किया गया है। सर, उसमें तो आप पूछ रहे भाई के सामने वाला बोल रहा है कि सीसी रोड के हैं, नंबर से लगी हुई थी। 3 दिसंबर से लेकर 17 जनवरी तक किसी भी ग्राम पंचायत के द्वारा कोई फाइल नहीं बनाई गई है, तो सीसी रोड सेंक्शन करने का तो सवाल ही नहीं उठता है। बिल्कुल फ्रॉड है, बिल्कुल। मुझे अब किसके दिमाग में क्या है, ये तो केवल छल और कपट की ही बू आ रही है इसमें। सर, कभी ऐसा लगा कि कोई लोग आपको कुछ किसी तरह से ब्लैकमेल करना चाहते हैं? ऐसा लगा तो नहीं है अभी तक। नहीं, ये वीडियो देखने के बाद ऐसा आपको ऐसा देने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है इसमें। तो हमारे पास 134 जो ग्राम प्रधान, 134 सचिव, 134 रोजगार सहायक हैं, और हमारा जनपद का स्टाफ भी है, और सब लोगों ने, कुछ लोगों ने मुझे लाके दिया और कुछ लोगों ने हमारे बीपीओ श्री मंगरोलिया जी को लाके दिया है। मुझे, मेरे पास भी जो राशि कलेक्ट हुई उसको भी मैंने मंगरोलिया जी को सौंप दिया है, उन्हीं के पास एकत्र हुआ है। जनपद कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में सीईओ डीएन पटेल ने स्थानीय मीडिया को वायरल वीडियो पर लग रहे रिश्वत के आरोपों को साजिश बताते हुए कहा कि जनपद आष्टा के सब इंजीनियर स्वर्गीय माखनलाल अहिरवार का कैंसर के कारण निधन होने के कारण उनके परिवार को सहयोग हेतु राशि कलेक्ट की जा रही है। उक्त राशि अभी तक 68,000 रुपए कलेक्ट भी हो गई है। राशि विभाग के अधिकारी, सचिवों, सरपंचों द्वारा राशि एकत्रित की जा रही है। उक्त वीडियो किसी के द्वारा मुझे बदनाम करने की नियत से बनाकर उसमें काट छाट कर वायरल किया गया है, जो पूरी तरह से गलत है। जनपद पंचायत आष्टा सीईओ डीएन पटेल के समर्थन में अब आष्टा और जावर के सरपंच संघ अध्यक्ष सहित सचिव संघ के अध्यक्ष भी मैदान में आकर खुलकर समर्थन में आ गए हैं। आज जनपद कार्यालय में सीईओ की प्रेस वार्ता में आष्टा के सरपंच संघ अध्यक्ष मानसिंह इलाही, जावर सरपंच संघ अध्यक्ष कल्याण सिंह ठाकुर और सचिव संघ के संयुक्त मोर्चा अध्यक्ष विक्रम सिंह मेवाड़ा ने स्थानीय मीडिया से चर्चा करते हुए सीईओ डीएन पटेल पर लगे आरोपों को साजिश बताया। देखिए, मैं पिछली बार भी रहा हूँ और इस बार भी, अब लगातार 7 साल से अधिक समय हमें हो गया है, लेकिन हमारे जनपद में अभी तक इस तरह का कोई मामला देखने को नहीं मिला है। साहब का कहना है कि हम किसी हमारे एक कर्मचारी की मृत्यु के कारण हम ये एकत्रित कर रहे हैं, क्या है मामला, ये जानकारी आपको है? बिल्कुल सही है। ये हमारे यहाँ पर इस तरह से पूर्व में भी हमारे एक सचिव का एक्सीडेंट में निधन हुआ था, उस समय भी पूरे जनपद के कर्मचारियों ने सबने राशि एकत्रित करके उसके परिवार को सौंपी थी। अभी कुछ दिन पूर्व पिछले बार कोरोना में हमारे एक और कर्मचारी जो यहाँ पर वृत्ति के रूप में पदस्थ था, उसकी मृत्यु हुई, उस समय भी जनपद के कर्मचारियों ने और सभी लोगों ने मिलकर के उसकी आर्थिक रूप से मदद करने का प्रयास किया। और अभी जो हमारे जो इंजीनियर जो शांत हुए हैं, उनको आर्थिक स्थिति ठीक नहीं होने के कारण लंबे समय तक गंभीर बीमारी से पीड़ित रहे, इसलिए उनके परिवार की मदद के लिए कहीं ना कहीं हमारे जनपद के कर्मचारी सब करते ही हैं। क्या आपको ऐसा लगता है कि कोई पत्रकार या कोई व्यक्ति इनको ब्लैकमेल करना चाहता है इस वीडियो के माध्यम से?
देखिए ये तो कोई कुछ भी कर सकता है, इस तरह की घटनाएं पूर्व में भी सरपंचों के साथ में भी होती है और सरपंच लोगों को भी कहीं ना कहीं कहीं बाहर से लोग पत्रकार फर्जी पत्रकार के नाम से RTI लगाते हैं और हमारे सरपंचों के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास करते हैं। 10-15 सरपंच जो दिन में 4-5 बार मिलते ही मिलते हैं और आपस में हमारी चर्चा भी होती है, अगर इस तरह का कोई विषय होता है तो संज्ञान में आ ही जाता है। वो राशि देते हुए 7,500 रुपये राशि देते हुए रिश्वत के आरोप लगाया जा रहा है, बाकी कहना यूं है कि जो राशि है वो एक आपके विभाग के व्यक्ति को मदद करने के लिए दी जा रही है जो कैंसर। नहीं, आरोप की जहाँ तक बात है तो आरोप तो कोई भी लगा सकता है, किंतु उसमें कितनी सच्चाई है हमें तो ये देखना है ना। हमारे सामने तो इस तरह का कभी विषय ही नहीं आया। साहब ने ये बताया कि ये किसी हमारे कर्मचारी की जी 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 तो इसके लिए हमने एकत्रित किए। हाँ, ये बिल्कुल सही है। हमारी जनपद पंचायत में पदस्थ श्री माखनलाल अहिरवाल, जिनका गंभीर बीमारी के कारण अभी भी निधन हुआ है, मानवीय आधार पर हमारे समक्ष भी ये विषय आया था, तो राशि इकट्ठे करना, उसके परिवार की मदद करना, ये तो हमारा फर्ज बनता है, धर्म बनता है। आप कितने साल से सरपंच? मैं 10 साल सरपंच रहा हूँ और लगभग 2 साल 3 महीने अभी प्रधान हूँ। जी ये हमने सभी सचिवों ने जिसकी जो इच्छा थी इच्छा अनुसार मैंने खुद ने मैसेज डाला था कि ये अपने पारिवारिक सदस्य है और इसके परिवार में इसकी मिसेज को भी कैंसर है और अब इनको कोई शासन से सहायता मिलनी नहीं है, ये संविदा पर है, तो जो भी जो इच्छा हो अपन दे। तो साहब ने भी इसे 2500 रुपये दिए थे, मैंने स्वयं ने 1000 रुपये दिए और अपने BPO सर के पास इकट्ठे भी करे लिस्ट। नौ देने के लिए एकत्रित की है, ये गलत है। आष्टा से खबर समय जगत के लिए सतीश सेन की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।